दोस्तों एक पावरफुल इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है क्योंकि वो कुछ ऐसे रूल्स जानता है जो और कोई नहीं जानता। इसीलिए आज वो बाकियों से इतना ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल है। तो दोस्तों आप भी इन रूल्स को जानकर अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, डिपेंड पीपल्स ऑन योरसेल्फ, लोगों को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर कर दो। दोस्तों एक शहर में बहुत ही होशियार जादूगर रहता था जो बता सकता था कि किस व्यक्ति की मौत कब होगी। उसने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया था कि उनकी मौत कब होगी और एग्जैक्टली जो वो बताता था वो होता भी था। तो दोस्तों जब उस शेर के राजा को ये बात पता चली तो उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और उसने जादूगर को अपने महल में बुलवाया। राजा के कहने पर जादूगर महल में आया। अब राजा उस जादूगर को महल के सबसे ऊपर वाली छत पर लेकर गया। दरअसल राजा उसे महल के नीचे गिराने वाला था, लेकिन उसने ये करने से पहले जादूगर से पूछा कि तुम तो सबका फ्यूचर बता देते हो, तो ये बताओ कि मेरी मौत कब होगी। तो ये सुनते ही जादूगर बोला कि मेरी मौत के 3 दिन बाद ही आपकी मौत हो जाएगी। अब ये बात सुनकर राजा घबरा गया। अब उस राजा की पूरी लाइफ उस जादूगर पर निर्भर हो चुकी थी। अब उस राजा ने उस जादूगर को जिंदगी भर के लिए सुरक्षित तो रखा ही, और साथ ही उसके लिए वो सारी व्यवस्था की जिससे उस जादूगर को आराम मिल सके। वैसे दोस्तों वो व्यक्ति कोई ज्यादा होशियार जादूगर तो नहीं था, लेकिन उसके पास एक पावर थी कि वो किसी को भी अपने ऊपर निर्भर करा सकता था, जो कि आगे चलकर उसके काम भी आई। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि पावरफुल बनने का पहला नियम है कि आप लोगों को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर कर दें और वो चाहकर भी आपको छोड़ ना पाए। रूल नंबर 2, सो पीपल्स दे आर इन बेनिफिट, लोगों को ऐसा दिखाओ कि वो फायदे में है। दोस्तों साल 1570 में वेनिस ने तुर्की के साथ वॉर में अपने सबसे कीमती आइलैंड साइप्रस को खो दिया, जिसके बाद वेनिस की हालत बहुत ही खराब हो गई। वहाँ के लोग गरीबी के कारण बहुत परेशान हो चुके थे। तभी उस शहर में एक ब्रिगेडिनो नामक व्यक्ति आता है जो दावा करता है कि वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। और दोस्तों वो व्यक्ति ऐसा कहता ही नहीं बल्कि करके भी दिखाता है। वो एक पत्थर के टुकड़े को सोने में बदल कर दिखाता है। ये सब देखकर वेनिस के लोग चौंक जाते हैं कि ये उसने कैसे किया, और वो उसे वेनिस में रहने के लिए ऑफर करते हैं और उसके लिए एक बड़ा सा महल बनवाते हैं और उसे एक लग्जरी लाइफस्टाइल देते हैं। और दोस्तों ब्रिगेडिनो उन लोगों से कहता है कि अगर उसे वेनिस में 7 साल के लिए रुकने दिया जाए तो वो उनके शहर के पूरे सोने को 70 गुना तक ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों असल में उसके पास कोई भी सोना बनाने वाली पावर नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में एक पाइप छुपा हुआ था जिसमें से सोने के कण निकलते थे जो किसी भी चीज पर आसानी से चिपक जाते थे, और इसी तरह वो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी पूरी जिंदगी जीता रहा। तो दोस्तों ब्रिगेडिनो को वहाँ पर रहते हुए 7 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फायदा नहीं दिखा। ये सब देखकर वहाँ के लोग भड़क जाते हैं और ब्रिगेडिनो पर सवाल उठाने लगते हैं। इस पर ब्रिगेडिनो कहता है कि तुम लोग मेरा फायदा उठा रहे हो, मैं अब इस शहर में एक पल भी नहीं रोक सकता, और ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि लोगों से काम निकलवाने के लिए आपको ऐसा दिखाना होगा कि अगर आप उनके साथ हैं तो वो फायदे में हैं, और ये बहुत ही काम की स्किल है। रूल नंबर 3, अंडरस्टैंड पीपल्स इंटेंशंस, लोगों के इरादे समझना सीखो। दोस्तों बाइबल में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जहाँ दो औरतें अपने बच्चे को किंग सोलोमन के महल में लाती हैं और कहती हैं कि इस औरत ने मेरे बच्चे को चुराया है। वो दोनों दावा करती हैं कि ये बच्चा उनका है, लेकिन किंग सोलोमन को कुछ समझ नहीं आता। तो बाद में पता चलता है कि दोनों औरतों ने रिसेंटली बच्चों को जन्म दिया है जिसमें से किसी एक औरत का बच्चा मर चुका है। लेकिन दोस्तों किंग सोलोमन को समझ नहीं आ रहा था कि किसका बच्चा मर चुका है और ये बच्चा किसका है। तो इस बात को साबित करने के लिए राजा ने फैसला किया कि वो इस बच्चे को अपनी जादुई तलवार से 2 टुकड़ों में काट देंगे, जिससे बच्चा जिंदा भी रहेगा और फिर बाद में दोनों आपस में इसे बांट लेना। तो ये बात सुनकर पहली औरत फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज आप मेरे बच्चे को 2 टुकड़ों में मत काटो, आप चाहे तो ये बच्चा दूसरी औरत को दे दो, लेकिन इसके 2 टुकड़े मत करना। लेकिन राजा के फैसले से दूसरी औरत को कोई आपत्ति नहीं थी, वो बच्चे को 2 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार थी। तो ये बात जानकर राजा समझ गया कि ये बच्चा पहली औरत का ही है, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकती। दोस्तों वो दूसरी औरत बिल्कुल शांत रही और इसी शांति ने उसकी सच्चाई को सबके सामने लाके रख दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है। दोस्तों तीसरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूल है कि आप लोगों के इरादे पहले से ही समझ जाएं कि वो आगे क्या करने वाले हैं, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके फायदे में रह सकें। दोस्तों इन रूल्स का इस्तेमाल करके आप भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो जरा सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।